Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is buffer register. Last time humne topic discuss kiya tha introduction to registers and its classification, uske types ke bare mein padha tha. Hume pata hai ki registers kya hota hai, that is group of flip-flops. Right? Or jo which stores the data. राइट तो रजिस्टर क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जिसमें हम मल्टीपल बिट्स को एट ए टाइम स्टोर कर सकेंगे फॉर आवर मेमोरी पर्पस राइट तो उसमें से सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप है दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रजिस्टर वो है हमारी बफर रजिस्टर ये बेसिक रजिस्टर जिस मतलब हम अगर रजिस्टर्स को डिफाइन करें तो दैट इज नोन एज बफर रजिस्टर मतलब जिसका सिंपल ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो है हमारा बफर रजिस्टर ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे डेफिनेशन में आप क्या नोट करेंगे द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैं यहां पे लिख रहा हूं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रजिस्टर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फोर डी फ्लिप फ्लॉप्स अब फोर बिट्स लिए हैं फोर फ्लिप फ्लॉप लिए हैं दैट मीन्स इट इज यूज टू स्टोर फोर बिट डाटा ठीक है फोर डी फ्लिप फ्लॉप्स ठीक है रजिस्टर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फोर डी फ्लिप फ्लॉप्स राइट एंड दिस इज नोन एज बफर रजिस्टर इसको हम बफर रजिस्टर बोलेंगे ये आपके नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है ये है बफर रजिस्टर का डायग्राम या इसको हम लॉजिक सर्किट बोल सकते हैं मैं इसके बारे में यहां पे लिख रहा हूं दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ बफर रजिस्टर राइट एंड दिस इज ऑफ फोर बिट्स राइट अब इसपे क्या किया हुआ है हमने आप एक सिंपल सा देख सकते हैं यहां पे फोर फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हमने यहां से शुरू करते हैं राइट साइड से ये फ्लिप फ्लॉप नंबर वन ये फ्लिप फ्लॉप नंबर टू दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर थ्री एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर फोर और चारों में हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं एक इनपुट होती है डी की डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री ले ली हमने इस इनपुट पे हमने चार बिट्स चार है हमारे पास तो चारों बिट्स को अलग अलग इनपुट दे दी बी जीरो यहाँ दी बी वन यहाँ दी बी टू यहाँ दी बी थ्री यहाँ दी ठीक है और एक आउटपुट हमने यूज की है डी फ्लिप फ्लॉप की वैसे तो दो होती है क्यू एंड क्यू बार ठीक है ये क्यू एंड क्यू बार होती है क्यू बार हम नहीं यूज कर रहे इसमें सिर्फ हमें क्यू ही चाहिए तो हम यहाँ पे क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री यूज कर रहे हैं और इन चारों से आउटपुट ले रहे हैं बाहर जो कि हमारी फोर बिट आउटपुट बनेगी अब हमें पता है द डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है इट इज यूज टू क्रिएट अ डिले बेसिकली जब तक ये बफर रजिस्टर का मतलब क्या है कि जब तक चारों बिट्स हमें बाहर नहीं मिल जाते तब तक ये उसमें डाटा स्टोर रखता है ठीक है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है अब इसमें जो एक चीज ध्यान रखने वाली है दैट इज अ क्लॉक सर्किट तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिस इज अ क्लॉक सर्किटरी ठीक है जो सेंटर में लगी है आपने एक चीज का ध्यान रखना है जब भी किसी ब्लॉक में ऐसा मैं कुछ लिखूंगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट इसमें ये सर्किट तब ऑन होगा जब पॉजिटिव एज मिलेगा इसको मतलब लो से हाई ट्रांजिशन बट अगर मैं किसी भी ब्लॉक में इसके साथ ऐसा बबल लगा दूं तो दिस बबल बिहेव्स एज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ठीक है इस टाइम पे ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पे एक्टिव हो गया ये फ्लिप फ्लॉप और ये कब होगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जब हमें हाई से लो ट्रांजिशन मिलेगी ठीक है तो जब भी बबल लगा हो किसी सर्किट में You must know about that कि वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल होगा और वो चिप तभी हाई होगी वो आईसी तभी हाई होगा जब हम इस क्लॉक सिग्नल को वन से जीरो ट्रांजिशन देंगे ठीक है तो यहाँ पे बबल है चारों गेट्स में आप चारों फ्लिप फ्लॉप में देख सकते हैं राइट और इस क्लॉक को हमने कॉमन किया हुआ है कॉमन मतलब चारों को एक के साथ मिलाया हुआ है और वहां से डायरेक्ट चारों को एक टाइम पे ऑन करेंगे ठीक है थ्रू दिस क्लॉक राइट जब हाई से लो ट्रांजिशन मिलेगी तब ये सर्किट्स ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं ये ऑन होंगे राइट
तो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये काम कैसे करता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पे मैं लाइंस नोट कर रहा हूं। ईच डी फ्लिप फ्लॉप इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू आर कनेक्टेड टू ए कॉमन क्लॉक सिग्नल राइट। सो ऑल ऑफ देम आर ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम, आर ट्रिगर्ड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक क्लॉक सिग्नल देंगे तो चारों ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब बफर रजिस्टर की जो मेन डेफिनेशन है वो यहां पे मैं नोट कर रहा हूं। बफर रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डिजिटल वर्ड्स, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डिजिटल डाटा। अब ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हमने कोई इनपुट देंगे और क्यू पे वो आउटपुट हमें तब तक मिलेगी जब तक हम उसे आगे भेज नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी जीरो पे दे रहा हूँ जीरो, बी वन पे दे रहा हूँ वन, बी टू पे दे रहा हूँ जीरो, बी थ्री पे दे रहा हूँ वन। अब हमें पता है डी का, यहाँ पे मैं डी का अगर वो बनाऊ अगर मैं डी इनपुट पे जीरो दूंगा तो क्यू पे जीरो आएगा, अगर डी पे वन दूंगा तो क्यू पे वन आएगा। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल होता है। ठीक है, आप डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ सकते हैं, हमारी लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस में डी फ्लिप फ्लॉप हमने डिस्कस किया हुआ है। तो डी को इनपुट देंगे जीरो तो आउटपुट विल बी जीरो, डी को इनपुट देंगे वन तो आउटपुट विल बी, क्यू पे हमें जो मिलेगा वो वन मिलेगा। तो यहाँ पे बी जीरो को जीरो दिया है तो हमें क्यू जीरो पे क्या मिलने वाला है, दैट इज जीरो, I will get it zero here. यहां पे मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर बी वन पे वन दिया है इस टाइम पे तो क्यू वन पे वन मिलेगा और क्यू वन यहाँ पे हमें वन मिलेगा। अगर बी टू पे यहाँ जीरो दिया है तो हमें क्यू टू पे यहाँ पे जीरो मिलेगा। अगर बी थ्री पे यहाँ वन दिया है तो यहाँ क्यू थ्री पे हमें वन मिलेगा। तो ये डाटा हमें आउटपुट पे मिल जाएगा और ये तब तक यहाँ पे स्टोर रहेगा। अब फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है तो आउटपुट तब तक सेम रहेगी जब तक पीछे से इनपुट चेंज ना हो जाए। तो ये हमें यहाँ पे चार बिट्स का डाटा यहाँ पे स्टोर होके मिल गया 1010 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब भी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अब देखो ये कब यहाँ पे डाटा मिलेगा हमें, जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे। क्लॉक सिग्नल हमारा जैसे ही वन वन से जीरो की तरफ आएगा ऐसे, तो उस टाइम पे ये जो हमें आउटपुट है ये 1010 पैरेलल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल फॉर्म आउटपुट राइट। ओके जी, तो अब हम इसको नीचे कैसे डिस्कस करेंगे, यहां पे नोट कर रहा हूं मैं ऑपरेशन क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो विल बिकम 1010 व्हेन नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स, नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स इज गिवन टू द सर्किट, गिवन टू द सर्किट। ठीक है, अब पीछे से अगर आउट इनपुट चेंज कर भी दें, ठीक है, मैं अगर इवन इफ द इनपुट्स आर नाउ चेंज्ड
द आउटपुट रिमेन लॉक्ड, वो आउटपुट है वो लॉक्ड रहेगी बिकॉज रिमेन लॉक्ड टू 1010 टिल द नेक्स्ट नेगेटिव एज क्लॉक पल्स, नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स, राइट। अब ये हो गया हमारा ऑपरेशन ऑफ द बफर रजिस्टर। अब इसको अगर मैं स्मेटिक डायग्राम में बनाना चाहूं इसी को, तो कैसे बनाऊंगा? दिस इज द स्मेटिक डायग्राम ऑफ बफर रजिस्टर। तो मैंने एक ब्लॉक लिया, इसमें कुछ इनपुट्स दे रहा हूं और ये जो इनपुट्स होंगी ये हमारी इन द पैरेलल फॉर्म है, राइट। हियर आई विल गिव द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हियर आई विल गिव द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल डाटा इनपुट, राइट, ये हमारा है रजिस्टर, बफर रजिस्टर। यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो ये हमें क्लॉक सिग्नल दे दी और हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, दैट इज 4-bit डाटा। अगर हम 4-bit इनपुट दे रहे हैं तो हमें 4-bit डाटा मिलेगा और ये भी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल होगा। सो दिस इज इन द पैरेलल डाटा आउटपुट। सो दिस इज द स्मेटिक डायग्राम ऑफ बफर रजिस्टर, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, थैंक यू। इसके रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू सो मच।